गुड इवनिंग तो जैसा कि आप सभी को पता है इवनिंग में 10 बजे हम यहाँ पर क्लास लेकर आते हैं जो भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और ये खासकर जो क्लास चलाई जा रही है ये एम सी क्यू के बेस पर क्लास चलाई जा रही है जो एस एडीओ और आर ई यू की तैयारी कर रहे हैं मध्य प्रदेश के बच्चे उनके लिए तो बहुत ही बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है ही लेकिन साथ ही जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उन्हें भी क्वेश्चन यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए जाते हैं तो देख लेते हैं भाई कौन कौन यहां पर आ गए हैं क्योंकि क्लास मैंने बिल्कुल एकदम समय से स्टार्ट कर दी है और ये हमारी दस बजे वाली तीसरे नंबर की क्लास है और जितने भी बच्चे यहां पर आ गए हैं चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा और सेशन को शेयर कीजिएगा <coughs> अभी तो यहाँ पे नजर नहीं आ रहे हैं कौन कौन यहाँ पे आए हुए हैं जरा जल्दी ज्वाइन हो जाओ भाई सारे लोग सोच रहे होंगे कि लेट क्लास स्टार्ट होगी बट क्लास आपकी टाइम पर स्टार्ट हो चुकी है एक बार सभी का वेट कर लेते हैं एक मिनट तक कितने बच्चे आते हैं फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्लास सारे लोग आ गए संदीप मालवी गुड इवनिंग गुड इवनिंग संदीप और कौन कौन यहाँ पर आ चुके हैं भाई जरा बता दो चलो फ़ोन को रख लेते हैं यहाँ पर कमेंट्स भी आप लोगों के देखते जाएंगे तो आज मैं आप लोगों को बता दूं आज हमारे पास जो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो कौ, आ, कौन सा है एक सेशन में हम यहाँ पर 50 क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं जल्द से जल्द इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है बट प्रीवियस ईयर का पेपर है तो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा है ना भले ही सिंपल हो क्वेश्चन लाने से हमें मतलब है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है तो हाई स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी जो दो में व्यापम ने पी के द्वारा जो आपका एग्ज़ाम पेपर लिया गया था वो वाला यहाँ पर मैं टेस्ट सॉल्व कराने वाला हूँ इसमें आपके लगभग 50 क्वेश्चन होंगे अब देखते हैं कितनी देर में ये हमारे द्वारा सॉल्व किए जाते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए थे प्रगति पालक और शिवम उमेश सारे लोग आ चुके हैं चलो वही स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि आलू आपका किस परिवार से संबंधित है आलू का कुल कौन सा है सिंपल सा क्वेश्चन यहां पर पूछा गया तो आपको पता है क्रूसी तो नहीं है कंपोजिटी नहीं है लेग्यूम में भी आलू नहीं आता आलू आता है हमारे सोलेनेसी में आलू किसमें आता है आपका सोलेनेसी में और आलू के अलावा एक और ऐसी कौन सी क्रॉप है अब बात चल रही है क्रॉप की जो कि आपकी सोलेनेसी से संबंधित है तो वो है हमारी टोबैको की टोबैको की फैमिली भी सोलिनि है तो आपको याद होना है कि टोबैको की फैमिली भी आपकी सोलेनेसी है तमकू की फैमिली भी सोलेनेसी है आगे चले आगे बात करें सिंपल वे में हम इन क्वेश्चन को समझेंगे इतना कुछ ज्यादा वहां परेशानी वाली बात है नहीं तो यहां पर देखिए कि किसानों को वाणिज्य खेती वाणिज्य खेती का मतलब होता है कमर्शियल फार्मिंग वाणिज्य खेती का मतलब क्या है कमर्शियल फार्मिंग या फिर कमर्शियल क्रॉपिंग आप इसे कह सकते हैं के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है सीड का जो सीड का वितरण होता है वह सीड आखिर होता कौन सा है सीड की यदि हम क्लास की बात करें तो चार क्लासेस होती हैं सीड की कलर अपन चेंज कर लें ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छा समझ आ पाए तो पहली होती है न्यूक्लियस सेकेंड होती है ब्रीडर थर्ड होती है फाउंडेशन फोर्थ होती है रजिस्टर्ड लेकिन इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं चलती है यहां पर लिख दू मैं रजिस्टर्ड ये हमारे इंडिया में नहीं है और फाउंडेशन के बाद में है सर्टिफाइड न्यूक्लियस सीड ब्रीडर के द्वारा ही बनाए जाते हैं बहुत ही कम मात्रा में फिर ब्रीडर सीड भी ब्रीडर के द्वारा न्यूक्लियस की प्रोजेनी होती है ब्रीडर, ब्रीडर की प्रोजेनी है फाउंडेशन और फाउंडेशन की प्रोजेनी है सर्टिफाइड और यही जो सर्टिफाइड सीड होते हैं यही हमारे कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए किसानों को दिए जाते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर सर्टिफाइड सीड कमर्शियली तौर पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं ठीक है सारे बच्चे यहां पर आंसर कर रहे हैं नहीं देख लूँ सर्टिफाइड सीड ओंकारेश्वर टेकम दूसरे का सी है आ, दूसरे का सी नहीं है न्यूक्लियर सीड नहीं है भैया गलत हो गया टेकम जी ओमकारेश्वर डी है चलो ठीक है टोबैको तो ब्रिंजल चिली टोमेटो पोटैटो हाँ प्रगति जी बहुत सही फिर चलें क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे पूछा गया कि भारत में सिट्रस के लिए चुकंदर की जड़ का स्टॉक निम्न है भारत में सिट्रस के लिए वैसे तो यह चुकंदर की जड़ यहां पे नहीं आएगा सिट्रस के लिए और वो भी हम कह सकते हैं साउथ इंडिया में साउथ इंडिया में सिट्रस के लिए भाई कौन सा एक रूट स्टॉक है यहां पे क्या आ जाएगा जड़ का स्टॉक रूट स्टॉक जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है यहां पर हम बोलकर टाइपिंग करते हैं थोड़ा सा मिस्टेक यहां पर हो जाता है कौन सा रूट स्टॉक है सिटरेंच क्लियोप्टेरा में टर्नप या फिर रंगपुर लाइम ये यहां पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा रंगपुर लाइम जो है ये एक बेस्ट रूट स्टॉक माना जाता है बेस्ट रूट स्टॉक माना जाता है अब ये रूट स्टॉक होते है, क्या है रूट स्टॉक आपके होते हैं जैसे कि यहां पर ये यह आपका रंगपुर लाइम लगा हुआ है ये आपकी जड़ें हैं और ये आपका प्लांट है यहां से आपने इसको कट कर दिया फिर हम शियोन लाते हैं क्या लाते हैं शियोन को आप जिस भी प्लांट को ग्रो कराना चाहते हैं जिस भी प्लांट की आप वहां पे आ, हम कहें कि कटिंग्स लगाना चाहते हैं यानी कि आप रंगपुर लाइन पर लाके के यहाँ पर उनको ग्रो करा सकते हैं तो रंगपुर लाइन की जो भी खूबियाँ होंगी वो आपकी उस श्योन में चली जाती हैं और उस श्योन को कट करके हम दूसरी जगह पर ग्रो करा सकते हैं तो ये होते हैं रूट स्टॉक फिर वहां पे सियोन आप लगाते हैं कट करके दूसरी जगह पर आप एक साथ बहुत सारे हम यहाँ पर शियोन को डेवलप कर सकते हैं और हम बड़ी मात्रा में यहां पर कहें तो एक हेक्टेयर या फिर बहुत बड़े एरिया के भी यहां पर अपनी कटिंग्स जो होती हैं वो सियोन होती हैं डेवलप कर ली जाती हैं तो रंगपुर लाइम इसका सही आंसर है डी इसका सही है तनिष जी आपने फिर गलत बता दिया ये जो क्लियोटेरा मैं बताया वो इसका आंसर नहीं था क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर है आपका कि गाय के दूध की अम्लता कितनी होती है गाय के दूध में एसिडिटी होती है अब एसिडिटी का प्रतिशत यहां पर पूछा गया है आपने यदि डेयरी पढ़ रखा होगा डेयरी प्रोडक्शन तो उसमें आपके मिल्क से रिलेटेड सारे का सारा जो भी डेटा है वो यहां पर होता है तो इसकी अम्लता भाई डेटा है डेटा आपका होता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 0.13 से लेकर 0.14 परसेंट ये होती है काउ के मिल्क की एसिडिटी आगे चलो आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर फाइव है निम्न में से एक जनसंचार की विधि है यहां पर आपको बताने कि जनसंचार जनसंचार का मतलब है मास कम्युनिकेशन मास कम्युनिकेशन की मेथड बताइए से कौन सी है अब यदि आप एक फार्म पर विजिट करते हैं तो यहां पे क्या मास कम्युनिकेशन होगा नहीं होगा एक फार्म पर जाओगे सिर्फ एक ही किसान से मिलोगे हो सकता है दो किसान से मिलो न्यूज़पेपर भाई न्यूज़पेपर तो एक साथ पूरे के पूरे शहरों में चला जाता है पूरे के पूरे सिटी के घरों में जो लोग भी न्यूज़पेपर जाते हैं तो ये मास कम्युनिकेशन की मेथड आपकी हो जाएगी ग्राउंड डिस्कशन ग्राउंड डिस्कशन में आप 10 लोग भी हो सकते हैं 100 लोग भी हो सकते हैं फिर है डेमोन्स्ट्रेशन तो डेमोन्स्ट्रेशन में भी आपका मास यानी कि बहुत सारे लोग नहीं होते हैं वहाँ पर आप किसी एक फार्म के फील्ड पर डेमोस्ट्रेशन का काम का करेंगे प्रदर्शन का काम का करेंगे अकेले जा के लोग वहां पर देख सकते हैं एक मास कम्युनिकेशन नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर न्यूज पेपर अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो यह है हमारा सब सोयलर सब सोयलर जो प्लाउ है उसके द्वारा सर्वाधिक उपयुक्त होता है किसके लिए क्या है एस यू बी और एस ओ आई एल ई आर सब सोयलर यह एक प्रकार का प्लाउ है और यह उपयोग होता है हार्ड पैन को तोड़ने के लिए अब यहां पे नाम देखो सब सॉइलर सब सॉइलर के बारे में मैं आपको बता दूं जो 20 से 30 सेंटीमीटर मोटी हमारी मृदा की परत होती है उसे हम कहते हैं सरफेस सॉयल सतही मृदा और 20 से 30 सेंटीमीटर के नीचे जो आपकी एक कठोर मृदा होती है उसी को कहा जाता है सब सॉइल तो जो सब सॉइल होती है जब हम एक ही निश्चित गहराई पर बार 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 हम प्रैक्टिसेस करते रहते हैं टिलेज ऑपरेशन करते रहते हैं तो वहां पर आपकी एक हार्ड पेन क्रिएट हो जाता है मृदा कठोर होती चली जाती है उसे ही कहा जाता है सब सब और किसके लिए यूज होगा हार्ड को तोड़ने के लिए यानी कि सब सॉइल को ही तोड़ने के लिए सिंपल सी बात यह है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर सेवन कि रासायनिक उत्परिवर्तन सामान्यता किसको प्रेरित करता है जो आपका केमिकल म्यूटेशन होते हैं रासायनिक उत्परिवर्तन का मतलब क्या है इंग्लिश वाले बच्चे समझिएगा ये केमिकल म्यूटेशन है उनके द्वारा किसको प्रेरित किया जाता है आप देख सकते हैं क्रोमोजोमल ब्रेकेज क्रोमोजोमल ट्रांसलोकेशन जीन म्यूटेशन और ननोबीज इसके द्वारा आप किसको उत्परिवर्तित करेंगे प्रगति जी सर चिजेल प्लाव का यूज भी होता है ना ब्रेकिंग हाँ चिजेल प्लाव का यूज भी होता है बिल्कुल आर ए का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है वो भी करा देंगे अब कल जो है इसके आगे के पचास क्वेश्चन होंगे परसों आर का प्रीवियस ईयर का जो इस साल पेपर हुआ था ना वो अपन कराएंगे ठीक है एसडी आर का दोनों सबसे पहले वही लेकर आएंगे सबसे पहले वही हो जाएगा कोई परेशानी नहीं है ठीक हम्म तो ये जो हमारा रासायनिक उत्परिवर्तन है ये सामान्यतः हमारे जीन म्यूटेशन को प्रेरित करता है जीन म्यूटेशन यानी कि जीन में म्यूटेशन होता है आपका जीन कहाँ पे होते हैं देखिए क्रोमोजोम है बात को समझने की कोशिश कीजिएगा क्रोमोजोम के अंदर है हमारा डीएनए और डीएनए के जो खंड है डीएनए का जो एक पार्ट है वही है हमारा जीन और जीन में ही कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा म्यूटेशन का मतलब होता है सडन हेरिटेबल चेंज सडन का मतलब है अचानक परिवर्तन हो जाएगा हेरिटेबल का मतलब होता है कि एक संतति से दूसरी संतति में वह कैरेक्टर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर ट्रांसफर होगा तभी हम उसे म्यूटेशन कहेंगे यदि इस बार देखने को मिला इस बार देखने को मिला और अगली बार संतति में देखने को नहीं मिला तो वह म्यूटेशन नहीं होगा सिंपल सिंपल डेफिनेशन भी मैं यहां पर आपको बताते जा रहा हूं जिससे आपको थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा नॉलेज भी हो अब यहां पर पूछा गया है कि भाई बहते हुए पानी द्वारा जमा किया गया मृदा के कारण मृदा के कण कारण नहीं होगा जमा किए गए मृदा के कण क्या कहलाते हैं कॉलुवियम एल्बिडो, एलुवियम और एक्यूफर अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है यार पानी के द्वारा जमा हो रहा है हमें पता है कि जो गंगा बेसिन है कौन सा बेसिन गंगा बेसिन में सर हमें एलुवियल सॉयल देखने को मिलती है तो इसका सही आंसर आएगा एलुवियम और पुरानी एलुवियल को क्या कहते हैं और न्यू एलुवियल को क्या कहते हैं ये आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा कोलुवियम क्या होता है जब ग्रेविटी के द्वारा जमा हो रहा किसके द्वारा ग्रेविटी के द्वारा अरे आप देखते हो नाली में ये आपकी नाली है नाली में हम देखते हैं कि पानी बहता रहता है और नीचे बहुत सारा आपका कीचड़ जमा हो जाता है तो वो कीचड़ क्या है वही कीचड़ है आपका कोलुवियम ग्रेविटी के द्वारा यहाँ पे उसका वजन ज्यादा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा नीचे ही जमा रह जाता है वह बह नहीं पाता वही है कोलुवियम फिर है एल्बिडो एल्बिडो क्या होता है तो एल्बिडो आपका जो सन से आपकी लाइट आती है जो रेडिएशन आती है यदि वह क्वालिटी में बिना चेंज हुए रिफ्लेक्ट हो जाती है रिफ्लेक्ट होंगी और रिफ्लेक्शन का जो प्रतिशत होगा लेकिन उनकी क्वालिटी में कोई भी चेंजेस नहीं होगा उसी को कहा जाता है एलबीडो और इसको मापा जाता है एल्विडो मीटर के द्वारा एल्यूवियम <coughs> हमने देख लिया और एक्यूफर यह जब पानी जहां से बहता है उसे हम एक यहां पर बोलते हैं यह है एक प्रकार के आपके प्लांट्स भी हो सकते हैं पानी में जो प्लांट्स रहते हैं उन्हें हम एक भी कहते हैं क्लियर है हाँ जी ओल्ड को बांगर और न्यू को खादर बिल्कुल प्रगति बहुत अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ग्लाइफोसेट निम्न का एक सक्रिय संगठक है यानी कि जो ग्लाइफोसेट है वह है किसका एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है यानी कि एआई है तो आपको पता है ग्लाइफोसेट का नाम क्या है आपका राउंड अप और ग्लाइफोसेट रेसिस्टेंट सबसे पहले किस क्रॉप में बनाए गए हैं जरा मुझे बता दीजिएगा ग्लाइफोसैट रेसिस्टेंट बनाए गए हैं सर जी मस्टर्ड में किसमें मस्टर्ड में मस्टर्ड की जो ट्रांसजेनिक क्रॉप है उसमें बनाए गए हैं और मस्टर्ड की ट्रांसजेनिक वैरायटी सबसे पहले प्रो एग्रो कंपनी ने बनाई थी तो ये थोड़ी थोड़ी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है जो आपको हमेशा पता होना चाहिए तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर राउंड अप क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन है कि यदि सीमांत लागत की तुलना में सीमांत लागत यानी कि मार्जिनल कॉस्ट क्या मार्जिनल कॉस्ट यानी एम तुलना में सीमांत उत्पाद यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट अधिक है तब आपके उत्पादन में अगला निवेश क्या होगा क्या हार्मफुल होगा इक्वल होगा प्रॉफिटेबल होगा या कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब आपकी सीमांत लागत की तुलना में सीमांत उत्पाद अधिक है मतलब सर यदि हम दो रुपए लगा रहे हैं तो इससे हमें कितने का फायदा हो रहा है रुपए का फायदा हो रहा है अरे भाई दो रुपए लागत लगाई चार रुपए उत्पादन अधिक हुआ तो उत्पादन अधिक हो रहा है तो तो अब अगला निवेश यदि हम करेंगे वो हमारे लिए कैसा होगा वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल ही होगा क्या होगा प्रॉफिटेबल होगा यदि सीमांत लागत होती हमारी अधिक और सीमांत उत्पाद हो जाता हमारा कम फिर अगला निवेश वो होता हमारे लिए हार्मफुल वो क्या होता हमारे लिए हार्मफुल और एक ऐसी कंडीशन आती कि जब सीमांत लागत आपके सीमांत उत्पाद के बराबर ही होती तो वो हमारा होता इक्वल कि ना तो प्रॉफिट होगा अब आगे जाने से ना ही हार्मफुल होगा सिंपल है हाँ भाई प्रसाद गंगा बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फिर यहां पर यदि जो हरियाणा एडीओ की प्रिपरेशन बच्चे कर रहे हैं उनको मैं एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि आप लोग बोल रहे हो कि प्रीवियस ईयर के हरियाणा एडीओ का पेपर लाया जाए तो मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर में जब कभी भी एडीओ की वैकेंसी हरियाणा में निकली हुई थी वहां पे इंटरव्यू बेस्ड एडीओ का सिलेक्शन हुआ था जो भी आपकी वैकेंसी थी इंटरव्यू बेस्ड रखी गई थी तो वो एग्जाम पेपर इसीलिए आपका नहीं मिल रहा है और ना ही हम यहां पे ला सकते हैं क्लियर है एस का था तो वो मैंने सॉल्व आपको करा दिया गाय की तुलना में भैंस में कौन सा हिस्सा अनुपस्थित होता है तो भैंस में कौन सा हिस्सा नहीं पाया जाता सर गल कंबल यानी जो गले के नीचे लटका हुआ भाग होता है वो गाय में पाया जाता है भैंस में नहीं देखने को मिलता ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर गर्दन तो होता ही है घुटना तो होता ही है गुमची भी होता ही है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है हमारे पास कि जब सुक्रोज का किणवन होता है सुक्रोज का किणवन का मतलब है फर्मेंटेशन सुक्रोज का किन्वन हो रहा है तो गठित यौगिकों की पहचान करें मतलब क्या बनेगा सिंपल सी बात है यार सुक्रोज किन्वन के बाद अपना क्या बनता है प्रोपेनोन प्रोपेनॉल एथेनॉल और एथेनॉल वहां पर सिर्फ आप देखोगे यहां पे बिल्कुल मैंने एज इट इज ऑप्शन डाले हुए बिकॉज सिर्फ स्पेलिंग देखो यहां पे भी आप इसे एथेनॉल एथेनॉल पढ़ पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं हैं और यह है एथेनॉल तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इसी तरह का क्वेश्चन आपका पूछा गया था एलिजिबिलिटी टेस्ट में अब ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको यह है दर्शाते हैं कि, कि कितना आप प्रेजेंस ऑफ माइंड है प्रेजेंस ऑफ माइंड आप कितने हैं वो ये क्वेश्चन दर्शाते हैं अब लहसुन में तीखापन किसके कारण होता है जरा बताओ लहसुन में तीखापन किसके कारण होता है <coughs> बहुत सारे लोग जिस भी क्वेश्चन का आंसर दो उसके आगे लिख दिया करो कि सर जैसे किटीन का आंसर दे रहे हो तो थर्टीन का ये वाला उससे क्या मुझे पता रहता कि आपने किस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया हुआ है <coughs> लहसुन में तीखापन किसके कारण है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर एलाइसीन के कारण आपका लहसुन में तीखापन होता है आगे चले आगे बात करें क्वेश्चन नंबर फोर्टीन की तो फलों की फसलों के तनों या शाखाओं पर छाले को हटाने की छाले मतलब छाल जो होती है आपके शाखाओं पर छाल आप हटा रहे हैं ठीक है बार्क बार्क को हटाने की प्रक्रिया के रूप में जानी जाती है प्रक्रिया किस रूप में आपकी जानी जाती है आई कटिंग्स पैच या फिर इनमें से कोई नहीं ये ऊपर नीचे थोड़ा सा आपका हो गया है तो इसको आपको बताना है प्रोपाइल डाई सल्फाइड डी है प्रगति जी एलाइसीन आपका उसका आएगा कहीं कहीं पे आपको एलाइल डाई सल्फाइड देखने को मिलेगा बट एलाइसीन उसका एक, एक एग्जैक्ट आंसर होता है क्योंकि व्यापम ने वही माना हुआ है ठीक है तो इसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी पैच इसे कहते हैं हम पैच हम्म फोर्टीन डी बिल्कुल पैच इसे कहेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन बहुत ही सिंपल है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान कहां पर स्थित है तो केंद्रीय आलू अनुसंधान है हमारा शिमला में स्थित है शिमला हिमाचल प्रदेश ये तो सभी को पता है भाई और शिमला भी कुफरी में तभी तो आलू की जितनी भी वैरायटी निकलती है कुफरी उनके सामने निकल लगा ही रहता है क्वेश्चन नंबर 16 पर चलें बीज द्वारा उगाई गई फलों की फसलें फूल पैदा करती हैं क्या जल्दी पैदा करती हैं या फिर लेट पैदा करती हैं उनमें फ्लॉवरिंग होती ही नहीं है या फिर इनमें से कोई नहीं तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास की लेट फूल पैदा करती हैं फ्लावरिंग उनमें लेट आती है तो आप भी जानते हैं यदि यदि वेजिटेटिव पार्ट से हम किसी भी क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं किसी भी फ्रूट्स को ग्रो कर रहे हैं तो वहां पे हमें फ्लावर बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे ऐसे आपके सीड में लेट होते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन हैरो को किसके द्वारा खींचा जाता है देखो इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे सिर्फ डीजल के द्वारा खींच सकते हो ट्रैक्टर के द्वारा बुल्लोक के द्वारा बुल्लोक और ट्रैक्टर तो भाई हैरो आपका बैलों द्वारा भी खींचा जा सकता है और ट्रैक्टर चालित हैरो भी आपके यहां पर होते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी के कारण जो आपके आ, हो सकती है पोषक तत्वों की कमी किसके कारण हो सकती है क्वेश्चन ये है लीचिंग के द्वारा न्यूट्रेंट रिमूवल वाय क्रॉप्स ओनली एरोजन ओनली या फिर ऑल ऑफ दीज तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी एरोजन के द्वारा भी कमी हो सकती है न्यूट्रेंड क्रॉप्स के द्वारा रिमूव किए जाते हैं उनके द्वारा भी जो हमने सोरघम इफेक्ट पड़ रखा था जो मैंने आपको एसिडियो वाली क्लास में पढ़ाया था वो आपका इसी का आंसर होगा एंड लीचिंग से तो फिर आपकी पोषक तत्वों की कमी होती ही होती है तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास कि सलाद फसलें वह फसलें होती हैं जिनको हम किस फॉर्म में कंज्यूम करते हैं तो इनको कंज्यूम हम करते हैं भैया रॉ यानी कि कच्चा ही खाते हैं इनको पका कर ना तो हम कैनिंग में यूज करते हैं ना ही लेटेक्स इनका एक्सट्रैक्ट करते हैं ना ही ऑर्नामेंटल पर्पज से डायरेक्ट इनका रॉ कंजप्शन किया जाता है डायरेक्ट इनको कंज्यूम किया जाता है ये क्वेश्चन यहां पर बोला गया है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी निम्नलिखित में से कौन सी मृदा के सुधार के लिए चूने का उपयोग होता है तो ये तो हम जानते हैं कौन सी मृदा के लिए चूने यानी कि लाइम मटेरियल या फिर लाइमिंग मटेरियल का यूज होता है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर एसिडिक सॉइल बिकॉज कैल्शियम हमें इसमें मिलाना होता है लेट्रिटिक सॉइल में हमारे आयरन एंड एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स अधिक होते हैं सोडिक सॉइल के लिए हम यूज़ करते हैं एफ वाई एम का ठीक है और सोडिक्स हमारी जो है वो लवणीय छारी मृदा है तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे आयरन पायराइट एफ ई एस टू और जिप्सम सी ए एस ओ फोर इंटू टू एच टू ओ का जिप्सम का यूज किया जाता है आठ टन प्रति हेक्टेयर और एफ ई एस टू आयरन पायरेट का यूज़ किया जाता है बारह टन प्रति हेक्टेयर यदि यहीं पर आपका सैलाइन मृदा होता सेलाइन सॉइल होता तब हम यूज़ करते एफ वाई एम का और एफ वाई एम से पहले भी हम यूज करते हैं एक एडिक्वेट इरिगेशन का ताकि सिंचाई के साथ जो नमक है वो घुलकर आपका लीचिंग हो जाए नीचे चला जाए और उससे हमारी मृदा सुधर जाए रिक्लेम हो जाए तो चूने का उपयोग किया जाता है एसिडिक सॉयल में क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन वह भौतिक गुणधर्म बताइए जिसे कि परिवर्तित नहीं किया जा सकता मृदा की वह फिजिकल प्रॉपर्टी जिससे हम चेंज नहीं कर सकते तो वह क्या होती है हमारी ऑप्शन नंबर बी सोइल टेक्सचर यानी मृदा गठन मृदा गठन किस किस से मिलकर बना होता है प्रपोर्शन ऑफ सैंड सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल जो कि हमारे प्राइमरी पार्टिकल भी कहलाते हैं प्राइमरी पार्टिकल हमारे कहलाते हैं सैंड सिल्ट और क्ले का जो एक प्रोपोर्शन होता है वही हमारा मृदा गठन है इसे किसी भी आ, हम कहें कि टिलेज ऑपरेशन या फिर और किसी भी के द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता आगे चलें आगे बात करें टेक्सचर बहुत अच्छे भाई कौन है यहां पे ये तनशिफ अंजार जी बढ़िया क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू बीज निम्न में से किस में पाए जाते हैं विबी पेरस की यहां पर बात की जा रही है निम्न से किस में से किसमें आपको देखने को मिलेगा विबी पैरस तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर जैक फ्रूट ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर जैक फ्रूट में हमें विबी पैरस सीड देखने को मिलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री आलू और तंबाकू के लिए सबसे उपयुक्त पोटासिक फर्टिलाइजर कौन सा होता है तो इसके लिए यदि हम बात करें टोबैको की तो टोबैको में के तो कभी डाला नहीं जाता बिकॉज ये जो क्लोराइड आयन होता है इसकी लीफ की वर्निंग क्वालिटी को कर देता है खराब लेकिन इसके लिए हम यूज़ करते हैं सर पोटेशियम सल्फेट का के टू एसओ फोर का और के टू एसओ फोर में हमारा प्रतिशत कितना होता है फोर्टी एट परसेंट पोटास इसमें पाया जाता है और इसीलिए हम कहेंगे सल्फेट ऑफ ओनली इसके लिए यूज़ करेंगे यहाँ पे लिखा भी है म्यूरेट ऑफ पोटास इसे यूज़ नहीं करेंगे और इसको ए नाइट ओनली इसे भी यूज नहीं करेंगे ऑल ऑफ दी अब तो आएगा ही नहीं क्योंकि म्यूरेट ऑफ पोटास को ही हम के सी एल पोटेशियम क्लोराइड भी कहते हैं इसलिए ऑप्शन ए गलत होने के कारण ना ही ऑल ऑफ दीज आएगा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी हमारा राइट होगा ओनली बी हमारा राइट होगा ट्वेंटी थ्री बी बहुत अच्छे ट्वेंटी फोर निम्नलिखित में से कौन सा शाकनासी गेहूं में पश्च उद्भव अब जो लोग हिंदी के दीवाने हैं ना भैया वो समझिएगा पश्च उद्भव का मतलब है पीओई पीओई -E, -E का मतलब होता है पोस्ट इमरजेंस के रूप में प्रयुक्त होता है एट्राजीन ग्लाइफोसेट, फ्लुक्लोरेलिन और टू फोर डी तो इसका सही आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर टू फोर डी टू फोर डी गेहूं में उपयोग किया जाता है ब्रॉड लीप्स के लिए चौड़ी पत्तियों के लिए ब्रॉड लीब्स को मारने के लिए टू फोर डी उपयोग किया जाता है गेहूं में क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव ढलान के कोणों को मापना है मतलब कि स्लोप है और स्लोप के एंगल्स को आपनों मापना है तो आप किस का प्रयोग करेंगे ग्राफोमीटर इनक्लाइनोमीटर मैक्रोमीटर या फिर ऑप्टिकल तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इनक्लाइनोमीटर आदर्श रघुवंशी जी सर एमएससी किस सब्जेक्ट से करूं देखिए अभी इसका आ, यहां पे हम इसको डिस्कस नहीं कर सकते आदर्श जी कॉल कीजिए कॉल पर आप हमसे काउंसलिंग ले सकते हैं तो उस पर मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स है कि पहाड़ियों की ढलान पर खेतों की जुताई करने की एक कौन सी विधि है क्रॉप रोटेशन है है no है है टेरेसिंग नोटिल फार्मिंग फार्मिंग या फिर कंटूर तो आपको पता है ऑप्शन नंबर डी कंटूर फार्मिंग पहाड़ियों की ढलान पर हम खेती करते हैं बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे भाई इतना ज्यादा टफ क्वेश्चन कोई सा नहीं था नेक्स्ट क्वेश्चन है कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम यानी कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम कब शुरू किया गया तो यह है, इसकी तो डेट है भाई आपको याद रखना पड़ेगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर 1974-75 फाइव में स्टार्ट किया गया था क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट सहकारी आंदोलन यानी कोऑपरेटिव मूवमेंट सहकारी आंदोलन क्या है आपका कोऑपरेटिव मूवमेंट कोऑपरेटिव मूवमेंट सबसे पहले कहां स्टार्ट किया गया था प्रारंभ कहां हुआ था जर्मनी यूएसए इंग्लैंड या फिर इंडिया तो इसका सही आंसर है आपको पता इंग्लैंड में क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन रोपण की एक विधि है यानी कि प्लांटिंग की एक मेथड है जिसमें आप पौधे से पौधे की दूरी की तुलना में पंक्ति से पंक्ति की दूरी अधिक है वह कौन सी है रेक्टेंगुलर डायगोनल स्क्वायर या फिर नन ऑफ दीज तो आपको पता है भाई आयत आयत हमारा कैसा बनता है इस तरीके का तो ये आपका हो गया पौधे से पौधे की दूरी और यहां पर यदि यह आप रो को रो मान रहे हैं तो रो से रो की दूरी थोड़ी सी आपकी ज्यादा हो जाएगी तो इसे हम कहेंगे यहां पे रेक्टेंगुलर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर जिंक की कमी के कारण चावल में कौन सा रोग तो अब इसको क्या बताना है भाई ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर खैरा डिसीज ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टी वन गाजर किस परिवार से संबंधित है तो आपको पता है गाजर है हमारा अंबेली फेरी से संबंधित ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर अंबेली फेरी फैमिली में आता है गाजर 32 टू कॉक्सीडियर ताप यानी कि कॉक्सी डियोसिस जो डिसीज है उसका संक्रमण कितने आयु तक के पक्षी ये क्वेश्चन आपका आ गया पोल्ट्री से मुर्गी पालन से को संक्रमित कर सकता है देखते हैं कितने लोग आंसर इसका करेंगे ए थ्री वीक्स बी अम्बेली फेरी चलिए ठीक है इसका आंसर बताइए जरा क्या है ए थर्टी टू डी थर्टी टू का डी बहुत सही भाई ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर टेन वीक्स अब दस सप्ताह को जरा मंथ में भी चेंज कर लो आठ सप्ताह में दो महीने हो जाएंगे और दो वीक में ढाई महीने मतलब टू पॉइंट फाइव मंथ ठीक है ढाई महीने तक आपका संक्रमित कर सकता है तो मंथ वगैरह में भी चेंज करके देख लिया करो क्वेश्चन आपके ऐसे भी रेज हो जाते हैं क्वेश्चन थर्टी थ्री है कि रेल एरोजन का एक जो एडवांस फॉर्म है उन्नत चरण है वो कौन सा होता है तो आपको पता है इसका जो क्रम होता है वो होता है स्प्लैश, शीट, रिल एंड गली तो रिल का उन्नत चरण पूछा है तो रिल का उन्नत चरण क्या होगा गली ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रिल का उन्नत चरण होगा आपका गली सीक्वेंस याद है तो आपका जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल वे में बन जाएगा नंबर थर्टी फोर है कि मृदा में सूक्ष्म जीव का नाम हमें बताना है जो कि स्वतंत्र जीवित रहने वाला बैक्टीरिया है मतलब कि फ्री लिविंग है और गैर सहजीवी है अब बात को समझिएगा पहले तो इसने बोल दिया कि फ्री लिविंग है फ्री लिविंग के बाद में गैर सहजीवी यानी कि नॉन सिंबायोटिक है अब देखो जरा एजो ये हमारा सिंबायोटिक है ठीक है एजेटोबैक्टर यह हमारा फ्री लिविंग भी है और साथ ही साथ में नॉन सिंबायोटिक है राइजोबियम यह तो भाई आपका सिंबायोटिक है ही ठीक है और इसे आप कह सकते हो एसोसिएटिव जो एजो है वो हमारा एसोसिएटिव में आता है सिंबायोटिक तो आपका राइजोबियम ही होता है इसे आप एसोसिएटिव में कीजिए एसोसिएटिव और जो एजेटोबैक्टर है ये हमारा नॉन एसोसिएटिव है बाकी ब्लू ग्रीन एलगी ये भी आपका बीजीए जो है ये भी सिंबायोटिक में ही आएगा तो आंसर क्या हो जाएगा एजेटो बैक्टर बिकॉज यह फ्री लिविंग भी है और फ्री लिविंग होने के साथ साथ में नॉन एसोसिएटिव है कितने लोग आंसर यहां पे सही कर रहे हैं बीजीए बीजिए नहीं होगा ब्लू ग्रीन एलगी आपका फ्री लिविंग नहीं है क्या आप ब्लू ग्रीन एलगी को बात को समझिए यदि ब्लू ग्रीन एलगी को आप खाली पड़े हुए खेत में डालते हैं तो क्या वह नाइट्रोजन फिक्सेशन कर पाएगा नहीं कर पाएगा ब्लू ग्रीन एलगी को यदि आप वीट के खेत में डालते हैं तो क्या वह नाइट्रोजन फिक्सेशन कर पाएगा नहीं कर पाएगा ब्लू ग्रीन एलगी राइस के खेत में ही नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है इसीलिए वह हो गया आपका सिम्बायोटिक या फिर एसोसिएटिव मतलब राइस के साथ एसोसिएशन है उसका राइस के अलावा और किसी क्रॉप में डालोगे तो वह नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम नहीं करेगा तो वो आपका आंसर नहीं होगा भैया जिसने भी आंसर यहाँ पे किया था फिर आपका आंसर प्रगति जी बीजीए गलत हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव है लेट्राइट मृदा में खाली स्थान के संग्रहण के लिए प्रक्रिया कौन सी होती है क्या होता है उसमें सबसे ज्यादा तो आपको पता है लेट्राइट मृदा में होते हैं हमारे आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स और इन्हें यदि हम एक वर्ड में बोलें तो इन्हें बोला जाता है सेस क्यू ऑक्साइड्स क्या बोला जाता है सेस क्यू ऑक्साइड्स अभी एक जो मैराथन की क्लास है वो मैम के द्वारा चलाई जा रही है अब एक और मैराथन की क्लास मैं चलाने का सोच रहा हूं तो दो आपकी मैराथन की क्लास हो जाएंगी एक आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर की क्लास हो जाएगी मतलब एमसी ही एमसी की क्लासेस आपको मिलेंगी और भरपूर मात्रा में आपके पास क्वेश्चन भी हो जाएंगे बैरोग्राफ किसके मापन के लिए प्रयुक्त होता है तो आप सभी जानते हैं बैरोमीटर की यदि हम बात करें तो बैरोमीटर से मापा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुमंडलीय दाब सभी जानते हैं लेकिन जब कभी भी ग्राफ का वर्ड यूज किया जाए तो ग्राफ क्या होता है आपका जैसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की जब हम बात करते हैं ईसीजी तो वह एक कंटिन्यूस रीडिंग हमें देता है चाहे हम बात करें थर्मोग्राफ की या फिर हम बात करें बैरोग्राफ की तो इसमें हमें एक कॉन्टिन्यूस रिकॉर्ड देखने को मिलेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इससे हम पर मिनट यानी कि एक एक मिनट का भी रिकॉर्ड देख सकते हैं कि बारह बज के मिनट पर कितना प्रेशर था तीन मिनट पर कितना प्रेशर हमारा था कॉन्टिन्यूस आएगा इसमें ठीक है अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास कि फलों को मोम कोटिंग से उपचारित करते हैं मोम कोटिंग से उपचारित करके उनके सेल्फ का जो जीवन होता है वो हमें भर नहीं जाता जीवन उनका बढ़ जाता है सेल्फ लाइफ उनकी बढ़ जाती है सिंपल सी बात है क्योंकि यह किस को कम कर देता है फल की यदि हम सेल्फ लाइफ की बात करें फल को हम एक तोड़कर लाते हैं जब प्लांट से तो उसमें रेस्पिरेशन की दर श्वसन की दर जितनी अधिक होगी फल उतनी ही तेजी से पकेगा और उतनी ही तेजी से उसमें सड़ने की प्रक्रिया होगी तो मोम की कोटिंग कर दी तो फलों में रुक जाती है रेस्पिरेशन की क्रिया श्वसन की क्रिया और उनकी सेल्फ लाइफ को बढ़ा दिया जाता है तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रेस्पिरेशन इसीलिए आपका एक और क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि जो आलू के कंद होते हैं हिली एरियाज में बहुत बड़े बड़े कंद वहां पर लगते हैं मैदानी क्षेत्रों की वजह से क्यों लगते हैं क्योंकि हिली एरिया में टेम्परेचर कम होने के कारण आलू में श्वसन कम होता है और श्वसन जब कम होता है तो भोजन आपका कम वहां पर खर्च होता है और ज्यादा से ज्यादा स्टोर होता है इसलिए कंद आलू के बड़े होते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो मिर्ची में तीखापन किसके कारण है भाई मिर्ची में तीखापन आपका होता है कैप्सैन थीन के कारण या फिर कैप्सिसिन के कारण देखते हैं इसका आंसर कितने लोग सही करेंगे मैंगो पता नहीं क्या क्या बताए जा रहे हो अपने आप में बातें मत किया करो देखो अपने आप में बातें मत किया करो ऑप्शन नंबर थर्टी एट का हो जाएगा बी कैप्सिसिन के कारण कैप्सिन थीन के कारण होता है मिर्च का कलर लाल रंग ठीक है लेकिन कैप्सीसिन के कारण होता है तीखापन क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन पर चलो उस व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहा है मतलब क्या किया जाता है क्या मॉनिटरिंग की जाती है या रिजेक्शन किया जाता है कन्फर्मेशन की जाती है एवेल्यूशन किया जाता है तो मॉनिटरिंग उस व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहा है कार्यक्रम को कर रहा है तो ये एक आपका एक्सटेंशन का क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर फोर्टी पर्वतीय में सामान्यता होती है पर्वतीय में नहीं आएगा ये क्वेश्चन था पर्वतीय मृदा पर्वतीय मृदा उसके नेचर में सामान्यता कैसी होती है एल्कलाइन न्यूट्रल एसिडिक या फिर सेलाइन तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी एसिडिक होती है जिसका पीएच सात से कम होता है पर्वतीय मृदाएं अम्लीय होती हैं बहुत सारे बच्चे बहुत थोड़े से लेट हो गए भाई दस बजे का टाइम हमने रखा हुआ है टाइम से आप आ जाया करें अंकुरण प्रेरित करने के लिए यहां पर बीजों को ना कुछ ठंडे तापमान से हम ट्रीट कर देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है एक है आपका वर्नेलाइजेशन स्टेरीलाइजेशन स्ट्रेटिफिकेशन या फिर स्कैरीफिकेशन स्कैरीफिकेशन है डोरमेंसी ब्रेक करना है खुरचकर खुरचकर कैसे खुरदुरा आपके पास कोई भी एक जमीन है वहां पर बीजों को आप रगड़ दीजिए वो स्कैरीफिकेशन है स्ट्रेटिफिकेशन होता है कि ठंडे लोअर टेम्परेचर से जब आप उसे ट्रीट करते हैं तो उसमें जर्मिनेशन बहुत अच्छा हो जाता है वो है आपका स्टेटिफिकेशन। वर्नेलाइजेशन है जब हम उसके पुष्पन को यानी बायनियल प्लांट को जब एनिल यहां पर एनुअल प्लांट बना दें वो है वर्नेलाइजेशन वसंतीकरण और स्ट्रलाइजेशन तो आप जानते हैं जब इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से किसी भी वस्तु को फ्री किया जाता है तब हम उसका स्ट्रलाइजेशन करते है. तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर स्ट्रेटिफिकेशन जब आप कम तापमान पर उसे ट्रीट कर रहे हैं डोरमेंसी ब्रेकिंग के लिए भी आ सकता है या फिर अंकुरण को बढ़ाने के लिए किसी भी मिट्टी का प्रजनन स्तर आमतौर पर इसके द्वारा निर्धारित होता है किसके द्वारा एरेशन एंड हाइड्रेशन के द्वारा ह्यूमस और मिनरल कंटेंट के द्वारा हाइड्रेशन लेवल के द्वारा या फिर ऑल ऑफ द अबव तो इसका सही आंसर क्या होगा हम्म इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑल ऑफ दी अब ये तो आप सिंपल ऑल ऑफ दी अब में तो ज्यादातर ऑल ऑफ दी अब लगाते हैं बच्चे और वही आंसर आपका जाता है ऊपरी लागत को और किस नाम से जाना जाता है ऊपरी लागत को हम यहां पर बोलेंगे ओवरहेड कॉस्ट ओवरहेड कॉस्ट को किस नाम से जाना जाता है मार्जिनल वेरिएबल टोटल या फिर फिक्स्ड कॉस्ट इसको सही बोला जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फिक्स्ड कॉस्ट आदर्श रघुवंशी जी जी ए फोर्टी थ्री डी फोर्टी थ्री डी फिक्स के नाम से जाना जाता है ओवरहेड कॉस्ट ऊपरी लागत को क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर यह अनुमान लगाने के लिए सांख्यिकी प्रक्रिया है स्टेटिक्स की प्रक्रिया है कि भाई कोई भी अध्ययन आपका एक महत्वपूर्ण है या फिर गैर महत्वपूर्ण है तो इसके लिए हम क्या यूज करते थे टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस क्या यूज किया जाता था टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस यूज किया जाता था बहुत ज्यादा अपने में क्वेश्चन भी पूछा गया भाई बीएससी एजी में कि यह क्वेश्चन तो आता ही था टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं अनुमान लगा रहे हैं एक प्रक्रिया है जिसके तहत मापा जाता है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस कि यह है, इंपोर्टेंट है अथवा इंपोर्टेंट नहीं है बी आदर्श रघुवंशी जी, जी सैंपलिंग पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं सी सी क्वेश्चन नंबर फोर्टी बुद्धिमत्ता एक योग्यता है है ना इसको मापने के लिए हम कौन सा स्टेटिक्स का उपयोग करते हैं क्या वेटेड हार्मोनिक मीन हरात्मक माध्य का यूज करेंगे मॉड का बहुलक का जियोमेट्रिक मीन का या फिर मीडियन का तो आपको पता होना चाहिए बुद्धिमत्ता वगैरह मापने के लिए हम यूज करते हैं हमेशा मीडियन यानी कि माध्यिका का साइज वगैरह एक मान लीजिए आप जूते का साइज़ है या फिर शर्ट का साइज है जीन्स का साइज है उसके लिए यूज करते हैं हम मॉड तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर मीडियन यानी क्वेश्चन नंबर 46 केले में भूमि के ऊपर के तने को क्या कहा जाता है तो केले में भूमि के के ऊपर तने को हम कहते हैं ऑप्शन नंबर डी स्यूडो स्टैम ध्यान रखिएगा उसने आपसे सकर्स नहीं पूछा है सकर से हम इसका करते हैं प्रोपेगेशन वो भी स्वर्ड सकर प्रोपेगेशन यानी कि प्रवर्धन ठीक है जिसका वजन होता है आपका साढ़े सात सौ ग्राम के लगभग तलवार नुमा सकर्स होते हैं लेकिन भूमि के ऊपर वाला जो भाग होता है केले का उसको स्यूडोस्टोम यानी कि झूठा तना भी कहते हैं क्या कहते हैं झूठा तना तने जैसा दिखता है लेकिन तना होता नहीं है क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन व्यवहार संतति उत्पन्न करने में अक्षम संकर अक्षम संकर का मतलब समझिए कि हाइब्रिड तो है लेकिन इस हाइब्रिड से कोई भी प्रोजेनी नहीं बनाई जा सकती वो अक्षम संकर कहलाएगा उसे क्या कहा जाता है क्या हाइब्रिड स्टेलिटी कहेंगे हाइब्रिड ब्रेकडाउन कहेंगे इन या फिर ऑल ऑफ दीज तो ऑल ऑफ दीज तो नहीं होने वाला इसे कहेंगे हाइब्रिड स्टेलिटी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर यदि किसी भी हाइब्रिड सीड के द्वारा एक नई प्रोजेनी डेवलप नहीं की जा सकती वह कहलाएगी हाइब्रिड सीड वह कहलाएगा हाइब्रिड सीड यस सर प्रोपेगेशन। जी हाँ, प्रोपेगेशन ही कहते हैं हम उसे अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें क्वेश्चन तो हल यूज किया जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट right आंसर चिजेल प्लाउ चिजेल प्लाउ यूज किया जाता है गहरी जुताई के लिए अधिकतम गहरी जुताई यदि आपको करना है तो हम यूज करेंगे चिजेल प्लाउ और जितनी ज्यादा गहरी जुताई होगी उतनी ही ज्यादा मॉइस्चर का हम संरक्षण कर सकते हैं जब रेनफॉल आपका होगा तो ज्यादा से ज्यादा जो पानी है वाटर है वो आपका इकट्ठा वहां पर हो जाएगा तो नमी संरक्षण के लिए यूज किया जाता है चिजेल प्लाव क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन और ट्रैक्टर हाइड्रोलिक सिस्टम में किस पंप का सामान्य रूप से सर्वाधिक उपयोग होता है पिस्टन टाइप गियर टाइप वेन टाइप या फिर सेंट्री टाइप हम्म तो जो आपका पिस्टन ट्रैक्टर का हाइड्रोलिक होता है उसको हम सामान्यतः यूज़ करते हैं गियर टाइप ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर पिस्टन टाइप नहीं होता है पिस्टन नहीं लगे होते हैं उसमें गैर होता है जिससे आप उसको ऊपर नीचे हाइड्रोलिक यानी कि जो लिफ्ट होती है उसको ऊपर नीचे आप वहां पे कर सकते हैं चाहे आपका कल्टीवेटर हो सीडेल हो उनको उठाने के लिए यूज़ की जाती है सामान्यता जिन लोगों ने फार्मिंग फैमिली से बिलोंग करते हैं उन्हें पता होगा कि भाई किस तरह से हाइड्रोलिक आपका जो सिस्टम है वो काम करता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इसके आगे चले तो अच्छा आज भाई फोर्टी नाइन क्वेश्चन ही थे फिफ्टी क्वेश्चन भी पूरे नहीं हो पाए क्योंकि इस पेपर में आपके कुछ क्वेश्चन कुछ साइंस के भी थे तो वो मैंने बीच बीच में क्वेश्चन आपके छोड़ दिए थे सिर्फ अपन ने क्वेश्चन लिए थे एग्रीकल्चर के तो ये आज हमारे लगभग पचास क्वेश्चन पूरे हो गए आगे के पचास क्वेश्चन अपने हो जाएंगे कल और कल के बाद में जो फरवरी में हुआ था एस ए डी ओ और आर ए यू का एग्जाम उसके क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे एक डिटेल एनालिसिस करेंगे कि कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चन हमारे आए थे क्योंकि जो एस ए डी ओ का एग्जाम था उसने लगभग सारे सिलेबस को कवर किया था जो कि आपका व्यापम के द्वारा दिया गया था तो इसको हम वहाँ पर देखेंगे तो भाई आप सभी लोग एक हमारे द्वारा मैराथन की क्लास चलाई जा रही है जो कि मैम के द्वारा आज उन्होंने सिक्सटी क्वेश्चन पैथोलॉजी के लिए थे एक और मैं स्टार्ट कर सकता हूं यदि पॉसिबल होगा तो क्योंकि अभी मुझे हरियाणा ए का बैच भी स्टार्ट करना है जो भी हम टाइमिंग देख लेंगे टाइमिंग के हिसाब से यदि पॉसिबल होगा तो बिल्कुल आपको क्लासेस दी जाएंगी क्लियर है डेली आ जाइए क्वेश्चंस को समझने की कोशिश कीजिए पढ़ने की एक हैबिट डालिए है, रीडिंग हैबिट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम में सक्सेस होने के लिए जब तक आपके पास रीडिंग हैबिट नहीं होगी आपकी पढ़ने की इच्छा जब तक नहीं जागेगी तब तक आप कोई भी एग्जाम पास नहीं कर पाएंगे चाहे वह छोटे से छोटा या फिर बहुत ही सिंपल सा एग्जाम क्यों ना हो इंग्लिश नहीं हिंदी में अच्छा तो आदर्श रघुवंशी जी देखिए यहां पर हिंदी में ही है क्वेश्चंस तो आपके हिंदी में है बस ऑप्शन में इंग्लिश में ले आता हूं तो ऑप्शन तो यार देखो इंग्लिश हिंदी दोनों सेम ही होते हैं लगभग और मैं बोलकर भी आपको हिंदी में बहुत कुछ बता देता हूं तो डेली आप लोगों को आना है ममता जी आदर्श तनसिफ़ प्रगति सारे लोगों को डेली आना है क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना और सबसे मेन बात यह है कि क्वेश्चन आप देखा करो अपने आप में एनालिसिस बताया करो कि 50 में से सर हमसे इतने क्वेश्चंस बन चुके हैं कॉपी पेन लेकर बैठा करो सारे लिखा करो कौन सा गलत हुआ कौन सा नहीं क्योंकि गलतियों को हमें दोहराना नहीं है गलतियां होती इंसान से ही हैं इंसान हो तो गलती होगी लेकिन बार बार उन एक ही गलती को दोहराओगे तो वो होती है मूर्खता बेवाकूफ़ी फिर उससे बड़ा बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं है यदि वह गलतियों को बार बार दोहरा एक एग्जाम एक में नहीं निकले क्योंकि हमने पढ़ा नहीं दूसरे एग्जाम में भी नहीं पढ़ोगे तो नहीं निकलोगे तो फिर ये मूर्खता कहलाएगी बिकॉज आप पढ़ नहीं रहे हो गलती को दोहरा रहे हो तो गलतियों को दोहराना नहीं है तो इसके लिए क्या करना होगा हमें बाकायदे पेन कॉपी लेकर बैठना होगा फिर हमसे कहाँ किस क्वेश्चन को पढ़ने में हमने मिस्टेक कर दी थी क्या हमने आंसर वहाँ पर सोचा था क्या हम लगा रहे थे तो वो सब कुछ एनालिसिस आपको ही करना है पचास प्रतिशत एक टीचर की भूमिका होती है तो पचास परसेंट आपकी खुद की भूमिका होगी कि आप अपने आप को कितने आगे तक ले जा सकते हैं ठीक है तो फिर आगे मिलेंगे कल हमारी फिर से जो क्लासेस हैं वो सारी की सारी रूटीन से चलेंगी टाइम से हमारी क्लासेस चलेंगी तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी एंड बाय बाय टेक केयर गुड नाइट जय हिंद जय भारत